केविन पीटरसन ने राहुल द्रविड को दी सलाह, बोले शुभमन गिल के साथ वही करो जो मेरे साथ किया था। इंग्लैंड के पूर्व कप्तान केविन पीटरसन ने राहुल द्रविड को एक सलाह देते हुए कहा कि शुभमन गिल के साथ वही करो जो मेरे साथ किया, उसको बताओ कि उसे कैसे स्ट्राइक को रोटेट करना है और कौन सी लेंथ को पिक करना है। भारतीय बल्लेबाज शुभमन गिल के लिए टेस्ट टीम में अपनी जगह पक्की करना मुश्किल हो रहा है। शुरुआत में वे टेस्ट ओपनर थे लेकिन वो नंबर 3 पर खेल रहे हैं। हालांकि उनके आंकड़े लगातार गिरते जा रहे हैं। इंग्लैंड के खिलाफ जारी 5 मैचों की टेस्ट सीरीज के पहले मुकाबले में शुभमन गिल ने पहली पारी में 66 गेंदों पर 2 चौकों की मदद से कुल 23 रन बनाकर आउट हो गए। उनके करियर का एवरेज भी 30 के करीब है। शुभमन गिल इंग्लैंड के खिलाफ हैदराबाद में जारी मुकाबले में चौका मारने के चक्कर में आउट हो गए। ऐसे में इंग्लैंड के ही पूर्व कप्तान केन पीटरसन ने टीम इंडिया के हेड कोच राहुल द्रविड़ से कहा कि वे गिल से बात करें और उन्हें वही बात समझाएं जो उन्होंने मुझे समझाई थी। जियो सिनेमा पर दूसरे दिन के लंच शो में केविन पीटरसन ने कहा, ड्रेसिंग रूम में कोई है जिसने मेरा खेल बदल दिया, वह है राहुल द्रविड़। मुझे नहीं पता कि वह यह ब्रॉडकास्ट देखेंगे या नहीं, लेकिन जाओ और गिल के साथ समय बिताओ और वही काम करो जिसके बारे में उन्होंने मुझे बात की थी। उसे ऑफसाइड पर गेंद को हिट करने के लिए प्रेरित करें, बेहतर लेंथ चुनने और स्ट्राइक को रोटेट करने का अभ्यास कराएं। ऐसी चीजें करें जो उसे एक बेहतर खिलाड़ी बनने में मदद करें। भारत बनाम इंग्लैंड टेस्ट सीरीज में कमेंट्री कर रहे दिग्गज क्रिकेटर केविन पीटरसन ने आगे कहा, शुभमन गिल एक गुणवत्तापूर्ण खिलाड़ी हैं। मैं इस बात से निराश नहीं हूं कि वे कैसे आउट हुए। मैं निराश इस बात से हूं कि उसमें अभी तक वह क्षमता स्ट्राइक रोटेट करने की नहीं आई है, लेकिन फिर भी वह एक युवा बल्लेबाज है। उसे वह क्षमता दो, उसे वह संरचना दो। अगर वह स्ट्राइक रोटेट करता है और राहुल द्रविड़ से यह सीखता है, अगर वह उसे अपने संदिग्ध में ले लेता है तो दुनिया उसकी है। दोस्तों, आपको क्या लगता है कि शुभमन गिल के बार बार टेस्ट मैचों में फेल होने की क्या वजह है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को प्रेस कर लें और लाइक के बटन पर क्लिक करना ना भूलें, क्योंकि हम इस चैनल पर क्रिकेट से जुड़ी अपडेट लगातार लाते रहते हैं।